तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं पिवट टेबल की, और पिवट टेबल में हम बात करेंगे मूविंग, फिल्टर, ग्रुपिंग, इन सब चैप्टरों के बारे में। कल हमने आपको डेटा समराइज करना सिखाया था कि डेटा की समराइजेशन क्या होती है, इसके बारे में हमने आपको कल बताए थे। अब चलिए इंसर्ट में चलते हैं, पिवट टेबल लिए ओके करता हूँ। तो यहां पे आपके सामने पिवट में मान लीजिए कि हमने रीजन वाइज सेल्स का टोटल दिया, जो कि आपके सामने दिख रहा है, राइट। अब मान लीजिए कि इसको या रीजन के हटा देता हूं, मैं टीम मेंबर कर देता हूं रीजन के जगह पे, टीम मेंबर वाइज हमने मान लीजिए यहां पे सम ऑफ सेल्स आया हुआ है और मुझे इसको सॉर्ट करना है। दो चीजें हैं, अगर आपको सॉर्ट करना है इस पे, मतलब कि नेम के अकॉर्डिंग, सेल्स मेंबर्स के अकॉर्डिंग, तो इस पे राइट क्लिक कीजिए और सॉर्ट ए टू जेड या जेड टू ए कर सकते हैं, या फिर इस पे जो फिल्टर का निशान आता है इस पे भी क्लिक करके आप सॉर्ट कर सकते हैं, यहां सॉर्ट ए टू जेड और जेड टू ए। उसके बाद अगर मुझे इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है तो मैं राइट क्लिक करूंगा और यहां सॉर्ट ए टू जेड और जेड टू ए कर दूंगा, तो मेरे हिसाब से जो सॉर्ट होना है वो हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि मेरे पास अगर दो मेंबर हो, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे रीजन्स और यहाँ पे नेम दे दिया, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर मुझे रीजन के हिसाब से सॉर्ट करना है तो मैं यहाँ कर्सर रखूंगा, राइट क्लिक, शॉर्ट ए टू जेड और जेड टू ए कर दूंगा, तो ए हमारा रीजन के अकॉर्डिंग सॉर्ट होगा। लेकिन अगर इसके अंदर नेम के अंदर हम करते हैं सॉर्ट, तो रीजन जहां है वहीं पर रहेगा, सिर्फ उसके अंदर का जो सॉर्ट है वो सॉर्ट होगा। जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दिया, तो यहां देख रहे हैं कि ये जो हमारा रीजन था जहां है वहीं पर है, बट इसके अंदर के जो डेटा है वो सॉर्ट हुआ है। तो शॉर्ट का इस्तेमाल पिवट टेबल में जस्ट राइट क्लिक करके करते हैं, इसमें कुछ और कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब अगला ऑप्शन हमारे पास आता है मूविंग का। शॉर्ट समझ में आ गया आप लोग को, कोई डाउट? चलिए तो शॉर्ट के बाद हम बात करते हैं मूविंग का, कैसे मूव कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास सिटी है और मैं इसको सॉर्ट करता हूं, चाहे इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग हो या अकॉर्डिंग हो डेटा के अकॉर्डिंग हो, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वो अपने हिसाब से मतलब शॉर्ट होता है, अल्फाबेटिक हो या वैल्यू हायर लोअर हो। लेकिन मुझे जो शॉर्ट करना है उसमें मैं ये चाहता हूं कि जो शॉर्ट हो वो मेरे हिसाब से, मतलब कि जो मैं जिसको मैं पोजीशन में मूव करना चाहता, मैं चाहता कि जो दिल्ली है ये हमारा, या न्यू दिल्ली है ये हमारा सबसे टॉप पे होना चाहिए, चाहे इसका अल्फाबेटिक कुछ भी हो या फिर इसका वैल्यू कुछ भी हो। तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और मूव पे चला जाऊंगा, मूव यहां दिख रहा होगा न्यू दिल्ली टू बिगनिंग, क्लिक किया सबसे ऊपर आ गया। हमें क्या करना है, राइट क्लिक और यहां पे आपके सामने दिख रहा होगा मूव, और यहां पे बिगनिंग, या आप अपने हिसाब से इसको मूव कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज तो समझ में आ गई,
अब मूव के बाद आगे चलते हैं इसमें, तो मूव क्या ये रो वाइज होगा कॉलम वाइज हुआ तो, जैसे कि मान लीजिए कि हमने टीम मेंबर्स को टीम को हमने कॉलम में रख दिया, तो आप कॉलम को भी अपने हिसाब से शॉर्ट भी कर सकते हैं एंड मूव भी कर सकते हैं। तो कॉलम को भी आप अपने हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और उसी तरीके से मूव मतलब कि मान लीजिए कि हमारा टीम ए है, तो मैं चाहता हूँ टीम को के को सबसे पहले रखना, तो राइट क्लिक किया और यहाँ मूव पे गया और यहाँ बिगनिंग हमने कर दिया, ये हमारा मूव हो गया। तो इस तरह से हम मूव रो एंड कॉलम दोनों करते हैं। तो हमने यहाँ पे शॉर्टिंग एंड मूविंग का टॉपिक खत्म कर लिया। अगला आता है हमारा ग्रुपिंग। ग्रुपिंग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि न्यू दिल्ली और दिल्ली दो अलग अलग है, जबकि दोनों एक ही होते हैं। तो हम क्या करेंगे, दो तरीका है कि जो नाम इसका है सेम नाम हम यहाँ टाइप कर देंगे। चलिए हम यहाँ पे एंटर मारते ही आपस में लिखा, कुछ केसेस में कंबाइन नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इसको कर देते हैं ग्रुप। अब यहां देते हैं न्यू। अब यहां पे देख रहे जैसे हमने ग्रुप किया दो रीजन्स बन गए, हमने पहले वाले रीजन जो था शुरुआती में उसको यहां से रिमूव कर दिया। अब आपका यहाँ पे डेटा कंबाइन होके ग्रुप होके आ गया। अब इसमें ये तो ठीक है, अब यहाँ पे ये तो चलिए ठीक चल रहा है। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है कि अगर मुझे ग्रुप और ज्यादा वैल्यू में करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे कि मैं इसमें एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे टीम ले आता हूँ। हाँ टीम में टीम को देता हूँ राइट। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा जो टीम ए है, ये हमारा टीम डी है और ये आपका टीम जी है, ये तीनों हमारा इनहाउस टीम है, मतलब कि ये वेंडर नहीं है, तो मुझे इसको इनहाउस में करना है। तो आप कंट्रोल के साथ इसको डिफरेंट डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हो, फिर राइट क्लिक किया और यहाँ पे ग्रुप कर दिया, ये आपका ग्रुप हो गया। उसके बाद बाकी जो है उसको मुझे वेंडर में करना है ग्रुप, जैसे कि हमारा टीम के, हमने टीम के को सिलेक्ट कर लिया, टीम बी को कर लिया, इसको इसको इस तरह से आप कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करते जाइएगा तो सिलेक्ट होते जाएगा। किया और यहाँ पे एक और ग्रुप बना दिया, ये हमारा एक ग्रुप टू एंड ग्रुप वन। तो मैं इसका नाम भी चेंज कर सकता हूं, यहां पे लिख देता हूं इनहाउस, इनहाउस और इसका नाम दे देता हूं वेंडर। अब मैं यहां से टीम टू को रहने देता हूं और टीम को यहां से हटा देता हूं, तो इस तरह से रहेगा। रखना है तो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो हमारी टेक्स्ट की ग्रुपिंग हो गई, लेकिन आपको अगर नंबर्स को ग्रुप करना होगा तो कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल हमारे पास ये सेल्स का फिगर है और ये रहा सेल्स की सम, मतलब कि 15 ऑर्डर 225 ऑर्डर आए हैं 15 मतलब के। तो मुझे ये देखना है मुझे क्या करना है कि पैकिंग का एक स्टैंडर्ड पैकिंग मुझे रखना है। तो स्टैंडर्ड पैकिंग में दो तरीके होता है, एक तो वहाँ पर हमारा जो पैकिंग मशीन होता है उसके अकॉर्डिंग कराते हैं कि हमारी पैकिंग मशीन किस तरह से पैकिंग करती है। दूसरा होता है हमारा कार्गो, कि हमारा कार्गो को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उस तरह से लेते हैं। लेकिन कंपनीज अगर पैकिंग डिजाइन करती है तो फिर देख लेती है कि हमारा सबसे ज्यादा सेल क्या आ रहा है। तो हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं किस रेंज में सबसे ज्यादा ऑर्डर आ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे 15 है, 16 है, 20 है, इस तरह से आ रहा है। तो मुझे जो है पैकिंग तो करना है,
पैकिंग करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक रेंज दिखे कि 10 से 20 इतना दिखे, 20 से 25 इतना दिखे, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे 10 का स्लैब चाहिए मुझे। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ ग्रुप पे आ जाइए। यहाँ पे मिनिमम और स्टार्टिंग और एंडिंग ऑटोमेटिकली आपके इस डेटा में मिनिमम को और आपके मैक्सिमम को पिक कर लेता है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपको देता है। आप यहां पे चेंज भी कर सकते हैं कि 1 से लेके 100, और 10 का ग्रुप इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए फिलहाल मैं इसको रहने देता हूं, इसको चेंज नहीं करता हूं, देन ओके। ये देखिए 10 से 19, 10 से 29, आपका 30 से 40 नहीं है तो 40 से 50 आपके यहाँ 49 दिख रहा होगा, तो यहाँ पे 10 10 का स्लैब बन के आ गया। ये हमारा नंबर का ग्रुप कहलाता है। अब नंबर ग्रुप के बाद हम बात करेंगे डेट के ग्रुप्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे सेल्स को हटा देता हूँ और यहाँ पे सेल्स डेट को रखता हूँ। ठीक है, सेल्स डेट जैसे ही रखेंगे बाय डिफॉल्ट आपका ईयर इस तरह से कंबाइन होकर चला आता है, लेकिन कुछ केसेस में एक कंबाइन नहीं भी होता है। ये डेट आपके डेटा पे डिपेंड करता है, क्योंकि अभी इस डेटा पे मैंने बहुत सारा पेपर लगाया है, बहुत सारा इसको ग्रुप किया है, तो इसलिए अंडरस्टैंड कर दिया। अदरवाइज आपका इस तरह से होगा, मान लीजिए अनग्रुप करना है मुझे, तो राइट क्लिक किया और यहाँ ग्रुप के नीचे अनग्रुप होता है उसी को क्लिक कर दिया, तो डेट इस तरह से आ गया। अब मुझे इसको ग्रुप करना है मंथली, तो राइट क्लिक किया और ग्रुप में चले गए और हमने मंथ को सेलेक्ट करके ओके कर दिया, आपका मंथली होगा। मुझे क्वार्टरली करना है, मुझे ईयरली करना है, तो ग्रुप में आपके पास ऑप्शन होता है, सेलेक्ट कर लीजिए कि जैसा आप सेलेक्ट करेंगे उस तरह से ग्रुप होता जाएगा आपका। लेकिन मुझे दो करना है, मैं चाहता हूँ मंथली और क्वार्टरली दोनों ग्रुप हो, तो आप ग्रुप करते समय दो पे क्लिक कर दो। यहां पे एक से ज्यादा सिलेक्ट किया जा सकता है। हमने इसको सिलेक्ट किया, ओके किया, तो एक ग्रुप हो गया। अब यहां पे एक क्वेश्चन और भी आता है। क्वेश्चन ये आता है कि मुझे पर्टिकुलर डेज के हिसाब से करना है, जैसे मैं ग्रुप में मुझे 15 15 दिनों के हिसाब से करना है, तो मैं डेज पे क्लिक किया, तो यहां देखिए नंबर ऑफ डेज हाईलाइट हो गया। अब ये ध्यान रखिएगा, अगर आप दो को सिलेक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ डेज हाईलाइट नहीं होगा। नंबर ऑफ डेज तभी हाईलाइट होगा कि सिंगल आप डेज को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ डेज को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे 15 15 टाइप करके ओके कर दिया, तो यहाँ पे देखिए 15 15 दिन का ग्रुप होके आपके यहाँ पे समरी निकल गया। समझ में आया सर? किसी को डाउट है? नो सर। चलिए इससे रिलेटेड एक छोटा सा आपको ऑफिशियल रिपोर्ट्स भी दिखा देते हैं, उस पर आपको भी समझा देंगे, आपको भी कुछ काम दे देंगे कि कैसे करेंगे आप। तो इसके लिए हम फाइल में आते हैं और एक डेटा ओपन करना होगा हमें। अब जैसे कि आपके सामने मेरे पास डेटा है, दो डेटा है, एक हमारा कार्ड डेटा है, दूसरा एक डेटा है। तो हम पहले कार्ड डेटा पे करते हैं। तो यहां पे क्या है कि मेरे पास जो डेट है और स्क्रीन डेट, मतलब एक क्या है डेटा बता दो आपका, जैसे कि आप लोग ऑफिस में जाते हैं और आपका कार्ड पे एक्सेस कार्ड पंच करते हैं, जिस कारण आपका गेट खुलता है, तो एडमिन ने उसी का पंच दिया हुआ है और इसके बिहाफ पे मुझे अटेंडेंस निकालना है कि कौन सा पर्सन किस दिन अब्सेंट था और किस दिन प्रेजेंट था। तो मैंने क्या किया, इसको इंसर्ट किया पिवट टेबल के जरिए और उसके बाद हमने नेम को रख दिया यहां पे,
और डेट को रख दिया यहाँ पे, तो डेट इस तरह से ग्रुप हुआ। तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और इसको यहाँ से अनग्रुप करूँगा, और क्योंकि यहाँ पे एक एक दिन में कई बार किया गया है इसलिए आप एक ही डेट टाइम वाइज आ रहा है, तो हम इसको राइट क्लिक करके ग्रुप में सिर्फ डेज वाइज ग्रुप कर देंगे। इससे पहले ग्रुप जो था वो डे ईयर मंथ डे सब में था, हमें सिर्फ डेज वाइज को ग्रुप कर देंगे। तो इस तरह से हर महीने का आपको यहाँ पे डेट आ जाएगा। उसके बाद हम नेम को ही या स्कैन डेट को ही हम रख देते हैं यहाँ पे काउंट के लिए। तो यहाँ आपके सामने काउंट नजर आ रहा है कि कौन पर्सन किस दिन कितना बार एक्सेस कार्ड को यूज किया है। जिस दिन वो यूज नहीं किया है उस दिन यहाँ देखिए ब्लैंक आ रहा है, तो इसके जगह पे आप अब्सेंट करना है। तो पिवट टेबल ऑप्शन में यहाँ पे जाएं और यहाँ देखिए फोर यहाँ एम्प्टी सेल शो, फोर एम्प्टी सेल शो, यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, या फिर एक डायरेक्ट अब्सेंट करना है तो एक कर दीजिए, आपका अब्सेंट आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे फिलहाल 0 करता हूँ और मुझे अब इसको ए हो गया हमारी रिपोर्ट, लेकिन मुझे इसको ऐसे नंबर में नहीं देना है, मुझे 0 वाले को अब्सेंट करना है और नंबर्स वाले को प्रेजेंट करना है। तो आपको याद होगा हमने कस्टम फॉर्मेटिंग में इस फीचर को कवर किया था, हमने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फिर यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे गए और एक मिनट, हाँ इसके कस्टम फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे इन्वर्टेड कॉमा में पी देंगे। तो पहला पोजीशन पॉजिटिव नंबर का होता है, फिर दूसरा नेगेटिव का होता है, सेमी कोलन देंगे, नेगेटिव कुछ है नहीं तो नेगेटिव को ब्लैंक छोड़ देते हैं, और तीसरा जो होता है वो 0 का होता है। तो यहाँ पे 0 के जगह पे ए डाल देंगे एंड फिर इसको ओके कर देते हैं। अब फिर काउंट वगैरह आ रहा है, सम वगैरह आ रहा है, तो हम पिवट टेबल ऑप्शन पे चले जाएंगे और यहाँ टोटल्स करके लाएगा, हाँ टोटल एंड फिल्टर्स करके आ रहा है, तो यहाँ पे रो टोटल एंड कॉलम टोटल इनको सेलेक्ट करके हम अनचेक कर देते हैं एंड ओके। आपका रिजल्ट तैयार है, अब इसको आपको जहां भेजना है वहां भेज सकते हैं। आया समझ में आप लोगों को? जय कुमार जी, मनीष जी, राकेश जी, कोई डाउट इसमें? ठीक है सर। प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं सर, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं। अब दूसरा है हमारे पास, यहां देखिए क्या है, इसमें हमारा इन और आउट दोनों लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपको मैं फाइल भेज रहा हूं, मुझे इसमें क्या करना है कि मुझे इसमें रिपोर्ट बनाना है। जैसे कि यहां पे आपने देखा कि इन एंड आउट था, तो मुझे इस तरह का परसेंट अपसेट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इस तरह से रिपोर्ट इसमें कि नेम डेट और इसमें इन आउट। तो जैसे पूजा है, पूजा जो है मान लीजिए 10 बजे आई है और लास्ट जो इसका आउट का जो स्कैन है मान लीजिए शाम को 6 बजे का, मुझे इस तरह से रिपोर्ट बनानी है हर किसी, हर डेट का, हर दिन का, ये आपको करना है। ये फाइल मैं आप सभी को भेज रहा हूं। समझ रहे हैं सर क्या करना है? हाँ जी सर, इसको कीजिए और मुझे भेजिए कि ये कैसे होगा, ताकि मुझे तो पता चले कि आप पिवट में आखिर किए क्या है। तो कल जो फाइल भेजी थी उसमें आपने प्रैक्टिस तो की, लेकिन प्रैक्टिस करके मुझे कुछ भेजा नहीं, इसलिए। और जय जी, आपकी मुझे मेल मिली है लेकिन कल मैं नहीं कर पाया, कल तो इसी बहुत ज़्यादा काम हो गया था, आज आपकी इस फाइल को देख लेता हूँ, देख के मैं आपको समझा दूंगा।
फाइल भेजी थी ना आप लोगों को मैंने। ठीक है मैंने भेज दिया, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए प्लीज।